अल्लाह इनके उम्र और खुशियाँ बढ़ा दे। जो ये शख्स है अल्लाह जमीन पे नहीं उतरता, लेकिन वो किसी के जरिए किसी का रास्ता किसी को बताते हैं। सर यकीनन क्यों कि यहाँ का माहौल तो मुझे बताया गया है, लेकिन अल्लाह ताला के शान में ही पढ़ रही हूँ। फिर भी कहना चाहूंगी, आप रुकिएगा, लोग यही को रुकेगा, फिर भी बताना चाहूंगी आयुष्य छान आए, आयुष्य परंतु थोड़ से लहर आहे। आयुष्य छान आहे पण थोड़ से लहर आहे।
आहे आणि मी छत्रपती शिवरायांच्या भूमीवर जन्माला आले याचाच मला अभिमान आहे. कहते हैं कि कई कई जगह पर ये तो नाते पाक के चार जैसे हैं शेर कहूंगी कथा, लेकिन सर मैं नाम पूछना भूल गई हूँ आपका, नाम बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये चाहती है निस्बत आज यहाँ आने के बाद पता चला है आप बहुत बड़े मुकद्दर वाले हो जो इस जगह पर आप इस गांव में बैठे हो. लेकिन देखिएगा, हेलो सुनील भाई से देखकर मुझे आज ताज्जुब की बात हो रही है मेरे अपने लिए, क्योंकि कहते हैं कि दिल से ईमान के जज्बे को मिटा रखा है, दिल से ईमान के जज्बे को मिटा रखा है और नाम है खुद को मुसलमान बना रखा है. अरे गैरों ने तो पा लिया कुरान से मंजिल का पता, गैरों ने तो पा लिया कुरान से मंजिल का पता और हमने उसे घर में ताकों में सजा रखा है. अल्लाह सुनील सुरते साहब और आशा सुरते दीदी, ये मियाँ बीवी यहाँ आकर इतना निस्बत इतनी निस्बत में गुम हो जाते हैं, ये बाबाओं को गैर से कहाँ बुला रहे हैं, ये तो हमारी आज सच में आंखों में आंसू आते हैं कि हम मैं
बहुत मुकद्दर मेरी खराब थी जो आज तक यहाँ नहीं आ सकी हूँ, लेकिन आज की हाजिरी मेरी कबूल हो जाए और आपके दिल में अगले साल में रहूँ ना रहूँ मैं जगह बना कर जाऊँगा, एक नाम करके जाऊँगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी नस्बत है। क्या चार चांद लगा देगी और तो पता नहीं चलेगा कैसे। अल्लाह ही है बंदो अपने पास हमारे भाई साहब ने यहाँ बुला के हमें बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। कहता है ये सुनील सर को देखकर चार मिनट याद आ गए कि तुझको रब्बुल आलम कहते हैं, तुझको रब्बुल आलम कहते हैं, एक मैं तो क्या तमाम कहते हैं कहते हैं। अरे अहले इस्लाम ही नहीं कायल, अहले इस्लाम ही यहाँ पर नहीं कायल, तुझको तो हिंदू में राम कहते हैं। कल नहीं है तौबा के दर आज भी खुले हैं। क्यों कर लो ऐ बंदो तौबा किस बात की शर्म, और उसके बाद सिर्फ दो कलम गाऊंगी ख्वाजा गरीब नवाज कवाल साहब का टर्न होने के बाद, एक मन के बाद और जिनके दर पे मैं आई हूँ उनकी एक शानदार मन के बाद। उसके बाद मैं जानती हूँ अप्रैल महीना चल रहा है, जो भी सुनाऊंगी बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी शान में सुनाऊंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में सुनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी तकदीर वाली हूँ कि लेखक हमारे साथ में है, इनके तबला मास्टर गौतम अवार्ड जिनके मराठी में गाती हूँ। यह आखिरी मतलब एक